अरे ये नज़ारा देखा था, कितना सुंदर गांव है यार, मतलब अपने गांव की याद आ गई मुझे सच में। ये कमेंट करके बताओ यार, आपके लिए एक चैलेंज है तो आप कमेंट करके बताओ ये फूल कौन से होंगे। अरे दीदी कहाँ जा रही हो? Let's start. So guys, अभी दिन का टाइम चल रहा है और व्लॉग की शुरुआत हमने कर दी है। तो यार काफ़ी टाइम से मैं बहुत बिजी चल रहा था तो मेरा टाइम वगैरह नहीं लग रहा था व्लॉग करने का, तो फाइनली आज मैंने डिसाइड किया कि अपना व्लॉग करूँ। तो गाइस जो लोकेशन आज हमने डिसाइड किया तो होप आपको ये जगह पसंद आएगी। तो कोई ज़्यादा बड़ी लोकेशन है, एक शॉर्ट टाइम लोकेशन है, आप शॉर्ट टाइम पीरियड में जा सकते हो, एक दिन में आना जाना कर सकते हो। तो देहरादून में एक जगह पड़ जाती है किबाड़ी पे, एक है नाग देवता टेम्पल, बहुत फेमस टेम्पल है। तो काफ़ी टाइम से सोचा था यार कि जाऊँगा एक्सप्लोर करूँगा, तो फाइनली यार डिसाइड किया कि वहाँ जाने वाले हैं। तो आपको पूरा लैंडमार्क देखोगे आप कैसे कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो गाइस आप लोगों ने क्या करना है, पूरा व्लॉग देखना है और जितना व्लॉग को शेयर करोगे इतना ज्यादा मजा आ जाएगा। प्लीज गाइज वॉच शेयर सब्सक्राइब माय चैनल और मुसाफिर वीडियो देख कर आप प्यार, और मिलते आपको आगे और दिखाता हूँ आपको पूरा लैंडमार्क वहां का। तो यार काफी टाइम से मैं व्लॉग नहीं कर पाया, बहुत बिजी चल रहा था, तो इसके लिए सबसे पहले तो सॉरी कहता हूँ आप लोगों को। सो गाइज वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो हे गाइज वेलकम बैक टू द अनदर न्यू व्लॉग, मैं बिगु सर अपने यूट्यूब चैनल मुसाफिर में आपका स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों आप भी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे और थोड़ा बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइज मैं भी अच्छा हूँ, मस्त हूँ, मजे में हूँ, और देखो आज ब्लॉग के लिए रेडी हो गए और बस ब्लॉग करने जा ही रहा हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है यार, वीडियो की शुरुआत तो हो चुकी है, आप ब्लॉग देख ही रहे होंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, पूरा ब्लॉग देखना है और ब्लॉग को शेयर कर देना, जितना ब्लॉग को शेयर करोगे उतना ज़्यादा मज़ा आ जाएगा और एक पॉजिटिविटी आती है काम करने में। मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम लोकेशन है तो होप बहुत लोग यहाँ गए भी होंगे, बहुत लोग नहीं भी गए होंगे। तो यार चलते हैं, आज दिखाते हैं आपको वहाँ का व्यू और काफ़ी फेमस टेम्पल है। मैं हरीश भाई ने आज ऑफिस की छुट्टी ली थी तो चलते अपने ब्लॉग में, दिखाते अपना आगे का लैंडमार्क और लोकेशन दिखाते आपको। हरीश भाई रेडी हो रहे हैं। ये देखो ये है हमारा रूम है। तो यार ये देखो कितना कबाड़ा कर रखा हमने यहाँ पे, तो हम लोग रेडी हो चुके हैं, तो लेट्स गो गाइस। तो गाइज मैं था अभी किमाड़ी के रूट पे, तो यहीं से मैं जाने वाला हूँ अपना नाग देवता टेम्पल। और यार वैसे उत्तराखंड घूमने का मुझे बहुत, मतलब उत्तराखंड पूरा एक्सप्लोर करने का मेरा बहुत ड्रीम है कि यार जल्दी से जल्दी मैं अपना उत्तराखंड जल्दी एक्सप्लोर करूँ और फिर मैं उसके बाद हिमाचल पे, मतलब जाना चाहता हूँ, हिमाचल जाना चाहता हूँ एक्सप्लोर करने के लिए। तो यार अभी तो मतलब आप लोग सपोर्ट करेंगे, मतलब आप शेयर करोगे वीडियोज़ को, आप सपोर्ट दोगे तो ज़रूर जाऊँगा मैं मतलब। और ये देखो यार चारों तरफ घना जंगल है, बीच में हम लोग अभी ट्रैवल कर रहे हैं। जो ये नाग देवता टेम्पल है काफ़ी मतलब फेमस है देहरादून में किमाड़ी में। तो यार काफ़ी व्लॉग्स देखे थे मैंने लोगों के, तो मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम लोकेशन है, तो होप आपको ये जगह बहुत पसंद आएगी। तो आप एक दिन में आना जाना कर सकते हो इस जगह में। तो ये नज़ारा देख ही रहे होंगे आपको माउंटेन्स का यार, मतलब पहाड़ में तो आपको एक चीज़ ज़रूर मिलेगी, वो मिलेगी मतलब ये हरे भरे जंगल, बड़े बड़े पहाड़ और यहाँ पर मतलब सुकून, और यहाँ के जो व्यू पॉइंट्स लोकेशंस वगैरह बहुत सुंदर मिलेगी आपको। और आप ज़रूर ट्रैवल करने आया करो उत्तराखंड में, तो होप आपको आज की जगह पसंद आने वाली है, आप भी इंजॉय करेंगे इस मतलब धार्मिक जगह को। तो काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की यार, ठंडा भी बहुत ज़्यादा होने लग गया क्योंकि अब लग गया है नवंबर का महीना और ठंडा भी हो रहा बहुत ज़्यादा। और भाई मतलब देहरादून में तो मतलब इतनी ठंड हो रही है ना, मतलब सुबह और शाम तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, इंजॉय करेंगे। अरे दीदी कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो दीदी? हम लोग अभी व्लॉग शूट करने के लिए शाम के टाइम पे जा रहे हैं क्योंकि यार पहले प्लान था कि हम लोग मॉर्निंग में जाएंगे, बट यार मॉर्निंग में टाइम नहीं लग पाया यार, अभी अभी हम लोग घर से आए, फिर घर से आने के बाद रूम वगैरह भी साफ़ नहीं, तो फिर रूम भी साफ़ किया, फिर अपने कपड़े वगैरह वॉश किए। यार क्या करें यार, ज़िंदगी में दुख बहुत है बट क्या करें, घमंड नहीं हमें इस बात का। फिर मतलब वो बोलता है ना विकी कौशल ने डायलॉग बोल रखा ना कि साला ये दुख काहे नहीं ख़त्म होता है। अब पर फिर भी जो भी है मतलब हम लोग अच्छे से अपना व्लॉग कर रहे हैं, तो होप आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे होंगे। हमेशा ये जो पहाड़ है खिले रहते हैं, संवरे रहते हैं, मतलब बहुत सुंदर लगते हैं। तब तक आप एंजॉय करो सिनेमैटिक शॉट को। I'm not afraid to die।
फिर भी तुम सुबह पेड़ की हाइट देखो भाई साहब, मतलब पता नहीं क्या नाम है इन पेड़ों का, मुझे पता नहीं है, पर बहुत लंबी हाइट है। और यार एक जंगल भी देखो बहुत घने भाई, और हम दोनों ही हैं बस यहाँ पे, और डर भी लग रहा है। और यहाँ पे सनसेट भी होने वाला है, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है नज़ारा, दिखाता हूँ आपको। अरे नज़ारा देखो एक बार यहाँ का, तभी मैं किमाड़ी के रूट पे था तो अपने शॉर्ट्स वगैरह रहता, तो ये व्यू देखो यहाँ का यार, कितना सुंदर व्यू आ रहा। तो वो देखो यहाँ पे भी सनसेट होगा तो काफ़ी सुंदर लगेगा ये नज़ारा। यहाँ देहरादून से आ रहा हूँ और ये रास्ता जा रहा आपका मसूरी, ठीक है। यहाँ से मैं देहरादून से आ रहा हूँ, ये जा रहा रास्ता मसूरी। और यहाँ पे देखो यार बोर्ड लगा हुआ है, देखो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है प्राचीन नाग देवता मंदिर। तो यहाँ से मैं आगे स्कूटी लेके जाने वाला हूँ, तो यहाँ से थोड़ी सी रोड ऑफ होने वाली है, तो आगे स्कूटी पार करेंगे और फिर 1-2 किलोमीटर का ट्रैक है वहाँ से। और यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है देखो, जो पहाड़ी डूड कैफे नाम से, यहाँ पे सनसेट भी होने वाला, तो वो भी व्यू दिखाएंगे आज आपको। यार देहरादून है 16 किलोमीटर, मसूरी 18 किलोमीटर, मसूरी को ऊपर जा रहा है, देहरादून नीचे जा रहा है, और बदराज टेंपल भी ऊपर जा रहा है। तो यहाँ से आप बदराज मसूरी सब जा सकते हो, और यहाँ से हम जाएंगे नाग देवता टेम्पल। तो भाई ये देखो ये जो जानवर है ना डॉग, ये बहुत वफादार है, ये मतलब इंसानों से ज़्यादा वफादार है यार। मैं इसके लिए कुछ नहीं लेके आया यार, मतलब मुझे नहीं पता ये यहाँ पे आएगा। ओए कहाँ से आ रहा तू, कहाँ से आ रहा है? हेलो हेलो हेलो, कहाँ से आ रहा है? हेलो हेलो, चल रहा हमारे साथ नाग देवता टेम्पल? चल रहा तू, चल रहा? उसको देखिए, मुझे अपने कुत्ते की याद आ गई यार, मेरे कुत्ता भी सेम ऐसे था, बट अब उसकी डेथ हो चुकी है शायद, ये उसी का रूप तो नहीं है कहीं। तो चलते हैं आगे अपने ट्रैक पे, दिखाते हैं आपको आगे का लोकेशन नाग देवता टेम्पल का। तो ये वसंती, और वसंती को करते स्टार्ट, तो चलते आगे, लेट्स गो गाइस। नज़ारा देखा था, कितना सुंदर गांव है यार, मतलब अपने गांव की याद आ गई मुझे सच में। और एक घर है ना यहाँ पे, मतलब जो पुराने ज़माने में घर बनाए जाते थे गांव में, तो ये मतलब पत्थर से बनाए जाते थे, मतलब मिट्टी से बनाए जाते थे, तो यहाँ पे वो घर भी बने हुए हैं, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है यार। और ये देखो कितना हरा भरा है, अभी मतलब ठंड का मौसम चल रहा है, अभी मतलब मानसून नहीं है। और ये देखो ज़िंदगी गाँव की यार, कितना सुकून है यार, नेचर को फील करो यहाँ पे यार, मतलब बहुत सुंदर है भाई, एक नंबर लोकेशन है। देखो अभी ऊपर मुझे जाना है, ऊपर मंदिर है, और ये गांव है, कोई गांव का नाम मुझे पता नहीं है, पर बहुत प्यारा लग रहा है जो भी है। सो गाइस जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ यार, ये लोकेशन आपको कैसी लग रही है, गांव का नज़ारा कैसा लग रहा है आपको, तो जल्दी जल्दी वीडियो में कमेंट करके बताओ। होप आपको जगह पसंद आ रही होगा, आपको लोकेशन अच्छी लग रही होगी। और ये देखो चारों तरफ हरा भरा है, शोर शराबा कुछ भी नहीं है, इतना सुकून है, सिंपल लाइफ जीते हैं गाँव वाले। हरीश भाई पता नहीं क्या आप फूल तोड़ रहे हैं, हरीश भाई क्या तोड़ रहे हो तुम? फूल का नाम बताए, कौन से फूल है ये? हरीश भाई ने पता नहीं कौन से फूल तोड़े हैं, बता रहे हैं कौन से फूल हैं, नहीं बताएंगे ना कमेंट में। तो गाइस ये कमेंट करके बताओ यार, आपके लिए एक चैलेंज है, तो आप कमेंट करके बताओ ये फूल कौन से होंगे। ये नाग देवता टेम्पल यही है, यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। बसंती मैंने यहाँ पे पार्क कर दिया, और अब यहाँ से मेरे ट्रैक स्टार्ट होगा, क्योंकि यार यहाँ से चढ़ाई है, तो यहाँ से अब ट्रैक स्टार्ट होने वाला, तो यहाँ से 1 किलोमीटर का ट्रैक रह गया, तो अब यहाँ से हम ट्रैक करने वाले हैं। तो ये रहे हमारे हरीश भाई, और यार गांव की कोई दादी वगैरह आ रही है, तो चलते हैं करते अपना ट्रैक स्टार्ट। यहाँ पर देखो मंदिर की सूचना, मतलब क्या लिखा गया है यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको, क्या क्या लिखा गया कि वाहन हेतु मार्ग संकरा एवं कठिन है, चालक प्रयोग सावधानी अपनाएं। तो यहाँ पे मंदिर का ओपन होने का मतलब कितने बजे खुलता है, कितने बजे बंद होता है, वो लिखा हुआ है। तो यहाँ से एंट्री गेट है, तो यहाँ से मैं अब ट्रैक करने वाला हूँ। सो गाइस हमने अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया, तो हम जा रहे हैं नाग देवता टेम्पल की ओर, और काफ़ी मज़ा आ रहा है यार, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं व्लॉग करने आ रखा हूँ, और काफ़ी सुकून मिल रहा है, क्योंकि बहुत बिजी चल रहा था मैं बीच में, मतलब यार अपना व्लॉग नहीं कर पा रहा था। और गाँव की खूबसूरती यार, मतलब इतना सुकून है यहाँ पर यार, इतना पीस है ना, बता नहीं सकता आपको। जब आप यहाँ पे आओगे, ट्रैवल करोगे, खुद देखोगे चीज़ों को, एक्सप्लोर करोगे ना, तो बहुत मज़ा आएगा।
तो यार ट्रैक हम कर ही रहे हैं, अब यहाँ से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक रह गया, तो फिर आगे ऊपर नागदेवता टेम्पल जाएंगे, दर्शन कराएंगे आपको और हम लोग भी दर्शन करेंगे। तो फाइनली ड्रीम कम ट्रू कि यार हम लोग चले नागदेवता टेम्पल की ओर। और ये जंगल देखो भाई, इतना घना जंगल है ना, और शाम के टाइम पे, इस टाइम पे तो अब आजकल दिन छोटे हो गए तो अंधेरा जल्दी हो जा रहा है, और डर भी लग रहा है कि यार कहीं जानवर वगैरह ना आ जाए, और जानवर वगैरह आ गया ना तो बचाने के लिए कोई नहीं है भाई, सीधा हमारी लाश मिलेगी, और जो अखबार का जो फ्रंट पेज होगा ना उस पर हेडलाइन होगा मुसाफिर भी बस। तो यार ये जस्ट मजाक है, क्योंकि मतलब कोई ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, एक मजाक कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ। तो दिखाते हैं आपको आगे नागदेवता का टेंपल का व्यू, और ये देखो सुंदर सा गांव दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखो ये है नीचे सुंदर सा गांव। अब गांव का नाम मुझे पता नहीं है क्योंकि मेरी भी फर्स्ट टाइम लोकेशन है, जैसे मैं आ रहा हूँ पूरा ट्रैक करके और अभी आगे मुझे जाना है। तो हरीश भाई कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा है। सो गाइज कुछ ज़्यादा बड़ी लोकेशन नहीं है, एक शॉर्ट टाइम लोकेशन, आप लोग आ सकते हो, एक दिन में विज़िट कर सकते हो, और थोड़ा सांस भी फूलने लगी है क्योंकि ट्रैकिंग करने की मुझे ज़्यादा आदत नहीं है। बाय द वे आई एम ऑल्सो पहाड़ी, बट पहाड़ों में इतना रहे नहीं, और जब से मैं देहरादून आया हूँ तो तब से मैंने ट्रैवलिंग मतलब काफ़ी एज अ पहाड़ों में ट्रैकिंग करना स्टार्ट किया है। तो यार मज़ा भी काफ़ी आ रहा है, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं हम लोग, और होप आप लोग भी ब्लॉग इन्जॉय कर रहे होंगे। तो आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, और वीडियो को जितना शेयर करोगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। जो लोग नया विजिट कर रहे हैं चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और जो लाल बटन है इसको फोड़ दो, बस सब्सक्राइब होना चाहिए, और बट ये जो बेल आइकन है ना इसको दबाना मत भूलना, क्योंकि आप जब बेल आइकन दबाओगे तो आपके पास जब मेरी वीडियो अपलोड होगी तो एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप मेरे व्लॉग इन्जॉय करेंगे। तो चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको आगे का व्यू। अब वो आप पीछे से हरीश भाई आ रहे हैं, यहाँ से मैं भी ट्रैवल कर रहा हूँ और आगे भी जाना है। So finally guys, मैं नागदेवता टेम्पल पहुंच चुका हूं और दिखाता हूं आपको नागदेवता टेम्पल का नज़ारा। तो दिल ठाम के बैठे दिखा रहा हूं आपको नज़ारा। तो ये देखो पहले यार, पहले दिखा रहा हूं आपको यहां का व्यू, ये देखो भाई ये कितना खूबसूरत लग रहा है यार। एज अ बुग्याल बोला जाता है इनको पहाड़ी लैंग्वेज में, एज अ हिंदी में हम ग्रासलैंड्स बोलते हैं, इंग्लिश में ग्रासलैंड्स बोलते हैं, और यह है बुग्याल, सुंदर से बुग्याल है। और ये रहा फाइनली हमारी डेस्टिनेशन, ये है हमारा नागदेवता टेम्पल, यहाँ पे हम पहुँच चुके और वहाँ पे सनसेट भी होने वाला है, तो सनसेट का व्यू पॉइंट भी दिखाएंगे आपको, होप आपको जगह पसंद आएगी। और यहाँ पे हमने जूते उतारे अभी, और हरीश भाई आ रहे हैं वहाँ से, और अब एंट्री कर रहे हैं हम मंदिर में। सो फाइनली गाइस दिस इज आवर डेस्टिनेशन, और यहाँ पहुँच चुके हम नागदेवता टेम्पल। तो यह एंट्री है अंदर की, और यहाँ पे यार उन्होंने मतलब पूजा के लिए बना रखे छोटे मोटे घर वगैरह बना रखे, और यहाँ पे बैठने के लिए बना रखा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है मंदिर। और यहाँ से एंट्री है मंदिर की, अब यहाँ से बजाएंगे पहले घंटी, जय नागदेवता जय हो। और ये है हमारा सुंदर सा मंदिर नागदेवता टेम्पल। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं नागदेवता टेम्पल, और ये है हमारी सुंदर सी लोकेशन, और देखो कितना सुंदर मंदिर है। बट अभी ये जो मंदिर अभी बंद है, हम लोग शाम के टाइम पर आ रखे, मान्यता है इस मंदिर के, तो नीचे गाँव पड़ता है रिखोली गाँव, वहाँ पर लिखा हुआ था, तो मैंने वहाँ पे देखा था, तो वहाँ पे लिखा हुआ था रिखोली गांव। तो ये रिखोली गांव का एक फेमस मंदिर है, मतलब उनका प्रसिद्ध मंदिर है, तो वहाँ का ये देवता है नाग देवता, तो ये काफ़ी धूमधाम से यहाँ पे पूजा होती है और लोग काफ़ी दूर दूर से भी आते हैं। बट हम लोग अभी शाम के टाइम पे आ रखे, तो यहाँ पे अभी इतनी भीड़ नहीं है। यहाँ से देखो यार, यहाँ से पूरा देहरादून का नज़ारा दिख रहा है यार, कितना सुंदर लग रहा है भाई, चारों तरफ कितना हरा भरा है। ये है हमारा नाग देवता टेम्पल, और ये रहे हमारे सुंदर से बुग्याल, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी मॉनसून का टाइम नहीं चल रहा, अभी ठंडियों का टाइम चल रहा है, और कि देखो कितना सुंदर लग रहा है यार। अरे जगह देखो यार, चारों तरफ जंगली जंगल है, बहुत घने जंगल है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे आके, और एक पॉजिटिविटी आ रही है यार। अरे व्यू पॉइंट देखो, और वहाँ पे हो रहा है सनसेट, वो देखो नज़ारा देखो वहाँ का। तो ये है सुंदर सा मंदिर, तो ये यहाँ पे एक गाँव पड़ जाता है रिखोली गाँव, तो उनका एक
अपना मंदिर है ये गांव का, इसका बैक साइड एरिया है, तो यहाँ से पूरा व्यू दिखेगा आपका। और अभी मानसून भी नहीं चल रहा, ठंड का टाइम स्टार्ट हो गया है, और तो अभी भी कितना हरा भरा है यहाँ पे। और वहाँ पे आग जला रखी है किसी ने। और जिसको ये लोकेशन जाननी हो तो मैंने इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी और ईमेल आईडी अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप मुझे वहाँ से फॉलो करके पूछ सकते हो। सो गाइस अब अंधेरा हो चुका है और शाम के 6 बज गए, तो हम लोग आए थे यहाँ पे 3-4 बजे के अराउंड आए थे। तो होप आपने ये व्लॉग इन्जॉय किया, आपके लोकेशन पसंद आएगी। तो ये था हमारा नागराज जी का टाइम, काफ़ी टाइम हमने स्पेंड कर लिया यहाँ पे, और यार दिखाया मैंने ये छोटा सा लोकेशन। सो गाइस जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ यार आपको ये लोकेशन कैसी लगी। होप आपने ये व्लॉग इन्जॉय किया होगा और आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अब नेक्स्ट व्लॉग में डिसाइड करेंगे हम कहाँ जाने वाले हैं। तो जो ये लोकेशन थी, ये लोकेशन मैंने सारी बता दी आपको, लैंडमार्क बता दिया आपको कहाँ कहाँ आना है। तो आप ज़रूर विजिट करें यहाँ पे, जब आप यहाँ पे विजिट करोगे तभी आपको पता चलेगा इसकी लोकेशन, इसकी खूबसूरती। और यार उत्तराखंड में तो हर चीज़ खूबसूरत लगता है, इन पहाड़ में तो एक चीज़ पता है, सुकून, पीस, बहुत पीस मिलता है। और यार इतनी ऐश आराम की ज़िंदगी नहीं मिलती यहाँ पे, बट यहाँ पे सुकून बहुत ज़्यादा है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। बाय गाइज, बाय बाय।